मुंबई में तेज आंधी और बारिश के बीच घाट कॉपर में एक बड़ा हादसा सामने आया है। एक बड़ी होर्डिंग के पेट्रोल पंप के ऊपर गिरने से अब तक 14 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। एनडीआरएफ ने बताया कि इस हादसे की चपेट में 88 लोग आए थे, जिसमें से 74 लोग घायल हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मैक्सिमम कैजुअलिटी सब निकल चुका है। एक लाल कलर की कार है जिसमें मालूम नहीं हो रहा है, चपक गई है, बट अभी तक उसमें कैजुअलिटी है या नहीं है मालूम नहीं है। लास्ट कैजुअलिटी हमने 6 बजे के आसपास में निकाला है। अभी कितना बॉडी अटका हुआ है? अभी तो एक भी नहीं फिलहाल के लिए लग रहा है, बट एक लाल कार में है जिसमें हमें ये है। रेस्क्यू किया गया? रेस्क्यू अराउंड 80 के आसपास में लोगों को। कैसे घायलों को घाटकोपर के राजावड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा भी लिया था। साथ ही एक्स हैंडल पर लिखा कि नगर निगम प्रशासन को घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है और घायलों का सारा इलाज सरकारी खर्च पर किया जाएगा। साथ ही ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसके लिए मुंबई के सभी होर्डिंग्स का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया गया है और खतरनाक होर्डिंग्स को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि मुंबई में आंधी के साथ बेमौसम बारिश के चलते हवाई अड्डे पर भी उड़ान परिचालन 1 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया था। साथ ही लोकल ट्रेन का परिचालन भी प्रभावित हुआ। घाटकोपर इलाके में छेड़ा नगर जंक्शन पर पेट्रोल पंप पर ये होर्डिंग 100 फुट लंबा लगा था और हवाओं के चलते ये होर्डिंग पेट्रोल पंप पर खड़े वाहनों पर जा गिरा था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।